हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टॉक यात्रा विद विशाल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फूड डिलीवरी वाली कंपनी जोमैटो के ऊपर। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों इस कंपनी से रिलेटेड। यहाँ पे हम लोगों को तीन बड़ी अपडेट यहाँ पे देखने को मिल जा रही है, जिसको ही यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। देखा जाए तो इस तरह की अपडेट के बाद यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा है कि वो इस कंपनी को यहाँ पे बाई कर लें। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आप लोग इस कंपनी को बाई करना चाहते हैं तो एक अच्छी चीज़ मैं यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, जिसको देखने के बाद अगर आप लोग इसको यहाँ पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको ये सहायक मतलब हेल्प करेगी कि आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे बाय करें या फिर ना करें, तो उसको भी देखना मत भूलिएगा। सो देखा जाए तो जो अपडेट हम लोगों को देखने को मिल रही है उसके दम पे आज अगर इस कंपनी को आप देखेंगे तो करीब 5% की इसमें रैली देखने को मिल रही है। एंड शेयर प्राइस आप देख सकते हैं कि 137.65 रुपये के आसपास यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल जा रहा है, जिसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मॉर्निंग के टाइम अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा नॉर्मली चीज़ें देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद एक बड़ी बाइंग यहाँ पे हम लोगों को इसमें देखने को मिल जा रही है, जिसके बाद ये कंपनी लगातार यहाँ पे ऊपर ही हम लोगों को जाते हुए देखने को मिल रही है, जो कि आप यहाँ पे इनके चार्ट में ही भी देख सकते हैं। ओवरऑल लगातार हम लोग बोल सकते हैं कि इस कंपनी में हम लोगों को जो तेजी थी वो ऊपर की ओर ही हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसके मैक्सिमम चार्ट की बातें करें तो आप देख सकते हैं कि मात्र 9% का ही रिटर्न्स इस कंपनी ने यहां पे दिया है, वो भी जुलाई से अभी तक की यहां पे अगर हम लोग बातें करें तो। सो देखा जाए तो करीब 3 से 4 महीने यहां पे हो चुके हैं एंड जिस तरह से हमारा मार्केट यहाँ पे ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है उस हिसाब से ये रिटर्न्स हम लोगों को देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन दोस्तों, जो न्यूज़ यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं उसके बाद अगर ये चीज़ें जो न्यूज़ है वो सच हो जाती है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आप लोगों को यहाँ पर लॉटरी भी लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही शानदार न्यूज़ आपको हम बताने वाले हैं, जो कि देखा जाए तो वो जो न्यूज़ है वो कल यहाँ पे हम लोगों को मार्केट में देखने को मिली है एंड उसी का इम्पैक्ट आज आपको इसके शेयर प्राइस में देखने को मिला है 5% की रैली के साथ। सो अभी हम सीधा अपने पहले अपडेट के पहले न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है वो MSCI इंडेक्स से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ें देखने को मिल रही है, ठीक है, जिसमें आप देखिए कि यहाँ पे 3 से 4 कंपनियों का नाम आप लोगों को देखने को मिल रहा है, जिसमें हमारी कंपनी जोमैटो का भी यहाँ पे हम लोगों को नाम देखने को मिल रहा है एंड इसी से रिलेटेड यहाँ पे हम लोग इस वीडियो में बातें करने वाले हैं। तो सबसे पहले MSCI इंडेक्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपको बता दें कि ये जो अपडेट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिली आप यहाँ पे देख सकते हैं, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए फ्राइडे को उससे रिलेटेड यहाँ पे अनाउंसमेंट होने वाली है कि कौन कौन सी वो कंपनियाँ हैं जिसको MSCI इंडेक्स में यहाँ पे एंट्री मिली है, जिसका डेट आप देख सकते हैं कि नवंबर 12, 2021 हम लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब फ्राइडे के दिन ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल जा रही है। एंड जो ब्रोकर्स हाउस है दोस्तों, ब्रोकरेज हाउस एडेलवेस की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो उनको यहाँ पे ऐसा विश्वास है, ठीक है, कि यहाँ पे जोमैटो, SRF, टाटा पावर, माइंडट्री, गोदरेज प्रॉपर्टी, IRCTC, एम्फेसिस, ये कंपनियाँ यहाँ पे इस बार MSCI इंडेक्स का पार्ट यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये जो न्यूज़ है वो वाकई में ही बहुत ही शानदार न्यूज़ यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है। देन यहाँ पे जैसा कि मैंने बोला कि MSCI इंडेक्स है क्या दोस्तों, यहाँ पे MSCI इंडेक्स की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो जिस भी कंपनी की इसमें यहाँ पे एंट्री हो जाती है सो उसमें जो पैसे हैं दोस्तों वो आना बहुत ही तेज़ी से विदेशों से जो पैसे हैं वो आना बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उस कंपनी में आप लोगों को जो रैली है वो ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाती है। इससे पहले भी अगर हम लोग बातें करें तो MSCI इंडेक्स में बहुत सारी कंपनियाँ थी, आप लोग किसी भी एक कंपनी को उठा के देखिएगा कि जब वो MSCI इंडेक्स में यहाँ पे एंट्री होती है, ठीक है, कम से कम 10 कंपनी को ज़रूर उठाइएगा एंड वहाँ पे देखिएगा कि जब तक वो इंडेक्स के अंदर थी उसमें क्या आप लोगों को चीज़ें देखने को मिली है, ठीक है। तो
जैसा कि ओवरऑल मेरा कहने का समझाने का मतलब यही है कि MSCI इंडेक्स के में एंट्री मिलने के बाद चाहे वो जो भी कंपनी हो उसमें पैसा आना बहुत ही तेज़ी से स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि उस कंपनी में रैली होती है, जिससे कि उनके जो इन्वेस्टर है उनको जो रिटर्न है वो अच्छा खासा यहाँ पर मिलते हुए देखने को मिल जाता है। सो इसी वजह से ये न्यूज़ हमारी कंपनी जोमेटो के लिए हमको अच्छा देखने को मिल जा रहा है। उसी के साथ एक और एडिशन यहाँ पे हम लोग आपको बताना चाहेंगे कि MSCI इंडेक्स में, ठीक है, MSCI इंडेक्स में जो इस इतनी सारी कंपनियों के नाम तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहे, इसमें भी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें जो लीड कर रहे हैं कि इस बार MSCI इंडेक्स में इस बार नवंबर 12 फ्राइडे को दिन यहाँ पे ऐड हो सकते हैं, उस कंपनी की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो वो दो कंपनियाँ हैं दोस्तों। तो दो कंपनियों के नाम यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सामने आ रहे हैं एंड ऐसे चांसेस है कि उन लोगों को लॉटरी लग सकता है। पहली कंपनी दोस्तों जो देखने को मिल रही है वो है SRF केमिकल की कंपनी है, हम लोगों को देखने को मिल रही है। दूसरी कंपनी की बात करें तो वो है दोस्तों टाटा पावर। जी हाँ दोस्तों, ये दोनों कंपनियों का नाम सबसे आगे यहाँ पे चल रहे हैं MSCI इंडेक्स में इस बार, इनकी मतलब ये पार्ट बन सकते हैं। तो एक केमिकल की कंपनी, एक पावर सेक्टर की कंपनी, इनके नाम सबसे आगे यहाँ पे चल रहे हैं। सो यहाँ पे हम लोग जोमेटो की बातें कर रहे हैं तो जोमेटो पे आते हैं। तो ये थी हमारी पहली अपडेट। देन दूसरी अपडेट की बातें करें दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे दूसरे न्यूज़ के ऊपर आ गए हैं। एक बार मैं फिर से आप लोगों को यहाँ पे बता दूँ कि ये न्यूज़ जो अभी यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं, इसके पहले जो MSCI इंडेक्स रिलेटेड जो न्यूज़ मैंने बताई थी वो दोनों कल की न्यूज़ थी, जिसका इम्पैक्ट आज आप लोगों को इसमें देखने को मिला है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन मत रखिएगा, ठीक है। तो अभी आते हैं सेकेंड न्यूज़ के ऊपर, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी फर्म जोमेटो की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, वो एडवांस टाक यहाँ पे बातचीत यहाँ पे कर रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इन्वेस्ट से रिलेटेड ये चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है। एंड ये जो इन्वेस्टमेंट है दोस्तों, वो देखिए $200 बिलियन का ये हम लोगों को इन्वेस्टमेंट यहाँ पे देखने को मिल जा रहा है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉजिस्टिक एग्रीगेटर सिप रॉकेट में ये इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बातें चल रही है। एंड यहाँ पे ये जो न्यूज़ है वो आप देखिए सोर्सेस के जरिए यहाँ पे मनी कंट्रोल को यहाँ पे मिलते हुए देखने को मिल जा रही है कि जोमेटो यहाँ पे $200 मिलियंस यहाँ पे इन्वेस्ट करने वाली है। देखा जाए तो अगर ये जो न्यूज़ अभी जैसा कि सोर्सेस के जरिए यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रही है, अगर ये न्यूज़ आगे चल के सच होती है तो यहाँ पे दोस्तों आप कह सकते हो कि जोमेटो लिस्टिंग के बाद यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें, लिस्टिंग के बाद यहाँ पे इसकी ये पहली इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिलेगा। एंड इस इन्वेस्टमेंट अगर ये होती है, न्यूज़ आगे सच होती है, तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एक तरह से यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि डाइवर्सिफाइड चीज़ें यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगी अगर यहाँ पे ये लोग इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। सो ये एक अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो इससे रिलेटेड यहाँ पे कंपनी से सवाल भी पूछे गए हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी कंपनी ने कोई भी यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं दिया है, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें दोस्तों, तो कल 10 नवंबर की अगर हम यहाँ पे बातें करें तो इस कंपनी की बोर्ड की यहाँ पे मीटिंग होने वाली है। सो शायद से कल के दिन ये चीज़ें आप लोगों को कंफर्म होते हुए भी देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे जो ये न्यूज़ है वो सच है या फिर नहीं, क्योंकि जब बोर्ड की मीटिंग होती है तो उसमें अगर इस तरह की चीज़ें होती है, इस तरह की बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, तो उससे रिलेटेड भी ज़रूर से ना कुछ यहाँ पे चीज़ें हम लोगों को देखने को, बातचीत ज़रूर से हम लोगों को देखने को मिलेगी। तो कल के दिन और भी इस कंपनी में आप लोग यहाँ पर नज़र बना करके रखिएगा। अगर ये इन्वेस्टमेंट की चीज़ें हम लोगों को बाहर आती हुई देखने को मिली तो इस कंपनी में एक बड़ा धमाका हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो ये हो गई दोस्तों हमारी सेकेंड न्यूज़। थर्ड न्यूज़ की अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें, सो हमारी जो लास्ट न्यूज़, जो थर्ड न्यूज़ है दोस्तों, वो है इनके रिजल्ट से रिलेटेड। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 नवंबर 2021 मतलब कल के दिन यहाँ पे इस कंपनी के रिजल्ट भी हम लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। सो यहाँ पे दो चीज़ों पे नज़र आप लोगों को रखनी है।
पहली चीज़ तो वो जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिली है, दूसरी इनके रिजल्ट के ऊपर भी आप लोग नज़र यहाँ पे बना के रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो तीनों न्यूज़ थी वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी। अभी आते हैं बाइंग से रिलेटेड जो सवाल हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं उसके ऊपर, तो चलिए आपके उस सवाल का भी जवाब यहाँ पर हम लोग आपको दे देते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो लोग इस मार्केट में बिगनर हैं उनकी यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें दोस्तों, तो आप लोग सबसे पहले इनके क्वार्टर टू को का जो रिजल्ट है उसको देखिएगा। वो अगर अच्छा देखने को मिलेगा, ठीक है, तब आप यहाँ पे थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे सोचिएगा। क्योंकि अगर यहाँ पे इस कंपनी के फाइनेंसेस को अगर आप देखेंगे तो अभी भी जो प्रॉफिट इनका देखने को मिल रहा है वो लॉस में ही देखने को मिल रहा है, मतलब माइनस में ही देखने को मिल जाता है। तो अगर आप बिगनर्स हैं तो अगर आप सेफली यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसको इग्नोर करके यहाँ पे आगे चल सकते हैं। देन यहाँ पे अगर हम लोग बातें करें जो लोग इस मार्केट में पुराने हैं दोस्तों, उनकी अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें तो आप लोगों को यहाँ पे दो चीज़ों पे नज़र रखनी है जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए भी वही सलाह होगी कि इनके क्वार्टर टू के रिजल्ट के ऊपर यहाँ पे आप लोग नज़र रखिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हम लोगों को देखने को मिल रही है उसके ऊपर भी यहाँ पे देखिए, कोई भी आउटकम अगर आपको इनके बोर्ड मीटिंग द्वारा यहाँ पे आती हुई देखने को मिलेगी, सो यहाँ पे रैली आना तो आप लोगों मतलब आप लोगों को तो मालूम है कि रैली यहाँ पे अच्छी खासी देखने को ही मिलने वाली है। सो देख सकते मतलब कह सकते हैं अगर रिजल्ट भी अच्छा आया एंड वहीं पे जो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो भी उससे रिलेटेड भी चीज़ें हम लोगों को देखने को मिली, तो डबल धमाका आप लोगों को इसमें देखने को मिल सकती है। एंड दोस्तों, इस बार जो उम्मीदें लगाई जा रही है इनके रिजल्ट से रिलेटेड, वो हम कह सकते हैं कि वो अच्छा देखने को मिल सकता है। पिछले क्वार्टर या लास्ट ईयर से रिलेटेड अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें वो हम लोगों को अच्छा देखने को मिल सकता है, ऐसी यहाँ पे उम्मीदें लगाई जा रही है। सो देखते हैं कैसा यहाँ पे इनका रिजल्ट आता है एंड उसी के हिसाब से आप लोग यहाँ पे आगे की बातें मतलब आगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो आप लोगों के मन में हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही भी दिखाया कि यह कंपनी आप लोग दोस्तों देख सकते हैं कि मात्र 3 से 4 महीने में 9% का रिटर्न से 9% का जो रिटर्न से वो भी बहुत होता है, लेकिन जिस तरह से बुल मार्केट हम लोगों को अपने यहाँ पे देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से ये बहुत ही कम रिटर्न्स दे रही है। उसके पीछे का सेम रीज़न है, वो रीज़न है इनका जो फाइनेंशियल्स है, जो प्रॉफिट है वो लगातार यहाँ पे हम लोगों को माइनस में ही देखने को मिल रही है। सो जो लोग पुराने हैं दोस्तों, अगर वो भी यहाँ पे सेफली रिटर्न्स के लिए यहाँ पे आए हुए हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आप लोग इस कंपनी को यहाँ पे इग्नोर करके चल सकते हैं। जो लोग यहाँ पे सेफली पैसा कमाना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बातें मैं कर रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा और भी मार्केट में आप लोगों को कंपनियाँ देखने को मिलेंगी, आप चाहे तो उनमें भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अच्छी अच्छी कंपनियाँ यहाँ पे हैं जिनके प्रॉफिट कम से कम प्लस में भी देखने को मिल रहे हैं। सो दोस्तों, देखा जाए तो जो तीनों न्यूज़ थी उसके अलावा जो बाइंग से रिलेटेड आप लोगों के सवाल थे उसको भी यहाँ पे जवाब हमने आपको दे दिया है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।